नमस्कार दोस्तों मैं मनोजनाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी सर्दी से बचाव होगा दोस्तों एक दोस्तों मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ पूरा देखें दोस्तों क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में देख लिया फिर आधा छोड़ दिया फिर वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता है फिर जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं वीडियो के अंदर वो सारा हो नहीं पाता है फिर बाद के अंदर उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो हज़ारों वीडियो देखते हो पर कुछ नहीं बनेगा मेरा एक ही मानना है एक बार आप वीडियो देख रहे हो एक बार पूरा देखो उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये मेरी गारंटी है और वीडियो के अंदर दोस्तों खूब मेहनत करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज अपने बात करेंगे राजस्थान की दोस्तों जो जनगणना जन, हुई थी उसके बारे में बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ साक्षरता जो हुई थी उससे भी कुछ बातें कर लेंगे ठीक है तो दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं अपने तो पहला क्वेश्चन करते हैं उससे पहले छोटी सी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी चीज बता दूं आपको कि सबसे पहले अगर जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना कब हुई थी तो सबसे पहले स्टार्टिंग है तो जनगणना कब हुई थी दोस्तों आपकी अठारह के अंदर दोस्तों स्टार्ट हुई थी किसके काल में हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल के अंदर दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी उसके बाद व्यवस्थित रूप से कब हुई थी व्यवस्थित रूप से हुई थी दोस्तों अट्ठारह के अंदर ये सबको पता होगा दोस्तों मुझे पता है पर फिर भी मैंने एक बार थोड़ा डिस्कशन कर ही लें जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले किसके टाइम पे हुई थी दोस्तों व्यवस्थित रूप से हुई थी रिपन के नॉर्मली तो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में व्यवस्थित रूप से हुई थी अठारह में रिपन के टाइम के अंदर दोस्तों हुई थी हर अब उसके बाद में हर दस साल के बाद होती है पता ही है एक अपनी बात करते हैं जातिगत झंडा की बात करते हैं दोस्तों जातिगत गणना के अनुसार ये दो बार हो चुकी है भारत में दोस्तों एक तो उन्नीस में हुई थी दोस्तों अपनी एक यु थी दोस्तों दो के अंदर हुई थी ठीक है दो डाटा हो गए एक थोड़ा सा ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि दो शब्द अपने सुनते हैं एक तो सुनते हैं दोस्तों जनगणना और एक अपने सुनते हैं जनसंख्या ये दो शब्द सुनते हैं तो दोस्तों जनगणना शब्द होता है ये तो दोस्तों संघ सूची का विषय है यानी यूनियन लिस्ट का है ये तो सब्जेक्ट है जो और जो जनसंख्या है ये दोस्तों अपनी समवर्ती सूची है समझ गए दोस्तों संवर्ती सूची यानी कि आपकी कॉन्कंट लिस्ट ये तो कॉन्कंट लिस्ट का हो गया दोस्तों जनसंख्या और जनगणना हो गया दोस्तों संघ सूची का यानी यूनियन लिस्ट का ये चार पॉइंट थे दोस्तों आराम से कर लिए अब आगे अपने बातें करेंगे आराम से क्लियर होती जाएगी दोस्तों चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे इसकी बेसिक चीज को 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है तो राज्य का लिंग अनुपात पूछा है दोस्तों कितना है तो कितना है दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों वो अपना है नौ राजस्थान कितना है नौ है दोस्तों लिंगानुपात नौ सौ तिरालीस किसका है दोस्तों ये नौ सौ तिरालीस अपना है भारत का लिंगानुपात दोस्तों और आठ सौ अट्ठासी क्या है तो जीरो से सिक्स ईयर की जो लिंगानुपात बात करते हैं वो राजस्थान का कितना है दोस्तों आठ सौ -80. अट्ठासी और भारत का कितना है दोस्तों जीरो से सिक्स ईयर की बात करें तो कितना है नौ सौ उन्नीस जो ये आंकड़े हैं दोस्तों आर्थिक सर्वे से लिए गए हैं बेफिक्र रहिएगा आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट हैं कहीं गलती नहीं है इसमें तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात कितना है नौ सौ अठाईस बिल्कुल सही भारत का कितना हुआ नौ सौ तिरालीस और जीरो नौ सौ उन्नीस क्वेश्चन है दोस्तों अपना 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है क्वेश्चन है दोस्तों दो की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात पूछा है दोस्तों तो शहरी शहरीलिंगानुपात कहाँ है दोस्तो? दोस्तों शहरी शहरीलिंगानुपात दोस्तों सबसे ज्यादा अपना है टोंक के अंदर दोस्तों है टोंक में सबसे ज्यादा तो सबसे कम का भी दिमाग में क्वेश्चन उठेगा तो सबसे कम किसका है दोस्तों सबसे कम है अपना जैसलमेर के अंदर है दोस्तों सबसे कम और पाली की बात करें ये तो शहरी का है तो ग्रामीण भी सोचा मैंने यहीं पे लिख लेते हैं एक ऑप्शन देखो दोस्तों ऑप्शन इसलिए बनाई है ताकि एक ऑप्शन के अंदर अपने चार पांच क्वेश्चन कर पाए एक समय के नोट्स ही हैं दोस्तों ये आपके तो दोस्तों शहरी में तो टोंक और जैसलमेर हो गया सर्वाधिक टोंक कम जैसलमेर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में कौन सा है सर्वाधिक पाली हो गया और कम के अंदर अपना कौन सा हो गया धौलपुर हो गया दोस्तों तो अगर वैसे भी अब अंदर लिख लेते हैं कितना कितना हुआ है? तो टोंक नौ सौ पिचासी है ये सर्वाधिक है शहरी के अंदर जो जिसले है दोस्तों सबसे कम बात करते हैं तो जिसले मेरे में कितना है बिल्कुल सही दोस्तों आठ सात है पाली की बात करें ग्रामीण में कितना है देखो आंकड़ा याद रहे तो अच्छी बात है दोस्तों नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर सिटी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं पाली की बात करें पाली में कितना है दोस्तों ग्रामीण में कितना सर्वाधिक एक हजार तीन आता है जबकि धौलपुर में अगर जब बात करते हैं न्यूनतम तो ग्रामीण में कितना है आठ देखो दोस्तों एक क्वेश्चन में कितनी डाटा कर लिए और दो तीन बार आप इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों कुछ भी मत पटना बस एक बार ये वीडियो देख लेना दो बार आप हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन सही करके आएंगे अपने तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंग अनुपात सर्वाधिक कहा है दोस्तों टोंक में और कम कहा है जैसलमेर के अंदर है और ग्रामीण में सर्वाधिक किसमें है पाली में और सबसे कम किसमें है धुलपुर में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में दो में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात जीरो से छ अंकित किया गया तो न्यूनतम दोस्तों कहां अंकित किया गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहां अंकित किया गया था बिल्कुल सही बताया दोस्तों क्रोली के अंदर तो क्रोली में अंकित किया गया था दोस्तों न्यूनतम है और जबकि अगर वैसे बात करें तो न्यूनतम नु कहां पर है तो न्यूनतम वैसे दोस्तों अपना है झुंझुनू के अंदर झुंझुनू के अंदर दोस्तों न्यूनतम है सर्वाधिक और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोली होगा झुंझुनू में कितना है दोस्तों आठ सौ सैंतीस और बांसवाड़ा में ये सर्वाधिक है ठीक है सर्वाधिक यानी मैक्सिमम। बांसवाड़ा में कितना है दोस्तों अपना नौ सौ बात और अभी बात की थी, राजस्थान का जो बात करें राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात दो हजार ग्यारह में दोस्तों कितना था तो दो ग्यारह में दोस्तों कितना था बिल्कुल सही कहा दोस्तों ग्रामीण था अपना दोस्तों नौ सौ तैतीस नौ सौ तैतीस दोस्तों ग्रामीण था जब ग्रामीण था तो शहरी की भी बात आती है तो शहरी में कितना था तो अर्बन की बात करें तो शहरी कितना था शहरी था दोस्तों नौ और नौ ये क्या था ये राजस्थान का नॉर्मल लिंगानुपात है दोस्तों और नौ इंडिया भारत का है दोस्तों ठीक है और इसका अपना आठ है जीरो सो सिक्स में दोस्तों ये कुछ आंकड़े हैं लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आपको याद हो जाएंगे गारंटी है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आप दोस्तों एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए साथ के साथ इंटरेस्ट भी रहेगा और डाटा भी अपने क्लियर हो जाएंगे दोस्तों दो हजार ग्यारह की जन जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर साक्षर दर कितनी थी दोस्तों दो हजार ग्यारह के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बता रहे हो आप दोस्तों साक्षरता कितनी थी छियासठ पॉइंट एक प्रतिशत राजस्थान की कितनी थी छियासठ पॉइंट एक प्रतिशत थी दोस्तों साक्षरता और भारत, भारत के संदर्भ में बात करें भारत की कितनी थी तो भारत की कितनी थी दोस्तों तिहत्तर प्रतिशत थी और सेवनटी नाइन पॉइंट टू उनासी पॉइंट दो यानी कि सेवनटी नाइन पॉइंट टू ये किसके है दोस्तों ये राजस्थान की है ये कौन सी है दोस्तों ये अपनी आती है पुरुष मेल वाली राजस्थान में मेल की तो कितनी सेवेंटी नाइन पॉइंट टू है दोस्तों और अगर इंडिया की बात करें इंडिया में कितनी है अस्सी पॉइंट नौ है दोस्तों ये इंडिया में हो जाती है है तो एक ही क्वेश्चन पर मैंने सोचा कि इसमें अलग ऑप्शन बना के चार क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं दोस्तों तो साक्षरता कितनी है दोस्तों छियासठ है दो तो में और भारत की कितनी है तिहत्तर प्रतिशत दोस्तों राजस्थान में कितनी है दोस्तों मेल केंद्र ये दोनों मेल की है पर ये राजस्थान की है सेवेंटी नाइन पॉइंट टू है और इंडिया की अस्सी पॉइंट नो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दो हजार का दोस्तों दो सौ तो दो सौ दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है भारतीय के संदर्भ की बात करें तो इंडिया भारत में कितना है दोस्तों भारत के अंदर तो है तीन सौ बयासी है दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हो और जो ये एक सौ चौसठ ये ऑप्शन लिखे इसका मतलब क्या हुआ इसको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या था तो ये तो है है है? ये, दोस्तो। तो दोस्तो, ये है दोस्तों अपना मात्र मृत्यु दर दो हजार एक और 2001 और 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या की दस की वृद्धि दर 30 प्रतिशत अधिक रही तो कौन किस में थी बांसवाड़ा जैसलमेर जोधपुर में थी दोस्तों इस ऑप्शन में दोस्तों अपनी थी बाडमेर और जैसलमेर ये दोनों थी दोस्तों दोनों की तीस से अधिक है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी तो दोस्तों अपनी जो महिलाएं हैं उनमें कितनी साक्षरता थी दोस्तों बिल्कुल सही बताया आपने दोस्तों बावन पॉइंट एक थी दोस्तों ये महिलाओं के अंदर थी भारत के संदर्भ में बात करें तो कितनी थी दोस्तों चौंसठ पॉइंट छह प्रतिशत थी दोस्तों और अगर पुरुष की बात करें तो राजस्थान में कितनी थी दोस्तों राजस्थान में सी सेवेंटी नाइन पॉइंट टू भी बात की थी दोस्तों और इंडिया के अंदर बात करें तो 80.9 अस्सी दोस्तों तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों राजस्थान में 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का नाम क्या है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का क्या नाम है दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों आप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसकी है बिल्कुल सही दोस्तों जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों जयपुर का जयपुर कितना है दोस्तों पांच पिचानवे देखो दोस्तों फिगर आगे वाला याद रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर थोड़ा से आगे वाले ये थोड़े से राज्य हैं तो अच्छा रहेगा तो सर्वाधिक जनसंख्या किसका दोस्तों जयपुर का ये हो गया पांच सौ पिचानवे दोस्तों सर... अब सबसे कम किसका है कम की बात करें मिनिमम की बात करें ये तो दोस्तों मैक्स हो गया अपना और ये हो गया मिनिमम मिनिमम किसमें दोस्तों जैसलमेर में दोस्तो? जैसलमेर में।, में कितना है दोस्तों सत्रह ठीक है ये हो गया जब उन्होंने ये बात की तो मैं सोच रहा हूं कि साक्षरता की बात कर लें तो सब सर्वाधिक साक्षरता किसमें है दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों अपनी कोटा के अंदर है कोटा में कितनी है छहत्तर पॉइंट छह प्रतिशत है दोस्तों जिले के अंदर और सबसे कम किसमें जालोर में वो कितनी है फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन यानी चौपन पॉइंट नौ प्रतिशत ये कम होगी ये तो दोस्तों अपना हो गया साक्षरता का लिटरेसी का हो गया ये हो गया अपना डेंसिटी का यानी घनत्व का हो गया तो एक क्वेश्चन में दोस्तों अपने चार चार पांच पाँच क्वेश्चन कर रहे हैं और पेपर में कैसे ही पूछ ले अपने आराम से करके आएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर देश में सबसे कम है तो सबसे कम दोस्तों किस में है बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों आप राजस्थान में स्त्रियों की साक्षरता को सबसे कम किसमें राजस्थान में है दोस्तों सबसे कम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जनगणना दो के अनुसार राजस्थान वर्दी से संबंधित कौन सा कथन सही है वर्दी से दर से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन है ये अपना तो पहला है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई बिल्कुल कीजिए दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां कौन से जिले में दर्ज की गई दोस्तों बाड़मेर में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां दर्ज की गई दोस्तों गंगानगर के अंदर सबसे कम कहां की गई दोस्तों गंगानगर में नेक्स्ट है इसके अंदर राज्य की औसत जनसंख्या वर्दी कितनी है दोस्तों इक्कीस पॉइंट दर्ज की गई ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है अपना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राजस्थान की जनगणना दो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है गलत की बात करते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि ये दोस्तों भी बात थी की थी इक्कीस पॉइंट इकतीस है से से फर्क नहीं पड़ता तीन से है तो तो ये सही हो गया दोस्तों नेक्स्ट है इसमें लिंग अनुपात एक हजार महिलाएं प्रति पुरुष है दोस्तों एक हजार कहाँ है अभी अपने बात की थी ना एक हजार कहाँ था अपना तो नौ सौ अट्ठाईस है एक हजार तो है ही नहीं तो ये गलत हो गया कुल साक्षरता छियासठ पॉइंट ग्यारह प्रतिशत है बिल्कुल है राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है ये भी दोस्तों अपना सही है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर पाई जाती है तो दोस्तों न्यूनतम दर राजस्थान में कहां पाई जाती है दोस्तों बिल्कुल सही पहचान रहे हो दोस्तों न्यूनतम दर कहां है जालोर के अंदर है न्यूनतम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनगणना दो के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति मतलब एस टी एस टी जो अपने समुदाय के लोग होते हैं दोस्तों एस सी एस टी के जो तो उनमें उनकी संख्या के बारे में तो एस टी की पूछ रहा है यहाँ पे तो एस टी की जनसंख्या कितनी है दोस्तों कौन सा है जैसे अपने फॉर्म भी भरते हैं उसमें दो होते हैं एक होता है टी एस पी आता है दोस्तों एक होता है एक टी एस पी होता है और एक नॉन टी एस पी होता है ठीक है जो टी एस पी वाला होता है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड होते हैं जो एस टी से रिलेटेड होते हैं वो उनके फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों इसमें नॉर्मली तो अब इसमें पूछा है कि कौन सा है अनुसूचित जाति वाला जिला सर्वाधिक वाला सही बता रहे है दोस्तों, आप इसका। ये है एस बात किस में दोस्तों? के न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित तीन जिलों का सही बढ़ते क्रम में कम बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे ऐसे पूछा है दोस्तों तो सबसे कम अपने पता है दोस्तों जैसलमेर में तो इन दो में से होगा दोस्तों ठीक है तो इसका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही ये है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनगणना दो के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है अभी दोस्तों अपने बात की थी जालोर है न्यूनतम वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों नीचे दिए कूट के आधार पर सही कथन बताइए तो सही कथन क्या है दोस्तों 2011 में कोटा जिले की क्षेत्र पॉइंट छह प्रतिशत साक्षरतांकित की गई बिल्कुल की गई दोस्तों ऊपर क्वेश्चन किया था उन्होंने कि सर्वाधिक आ, साक्षर जिला कौन सा कोटा कितनी है क्षेत्र पॉइंट छह और कम कौन सा है जालोर है कितना चौपन वाला है तो ये हो गया। दूसरा है दो हजार ग्यारह में जलोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही तो ये भी सही हो गया दोस्तों वैसे भी कम है वैसे भी कम है तो ये भी सही हो गया तीसरा है बीकानेर जिले में दो में न्यूनतम जनसंख्या अंकित किया गया ये कि दोस्तों आपको याद होगा बात की थी बीकानेर नहीं था कौन सा था जैसलमेर था दोस्तों कितना था सत्रह था दोस्तों याद आ गया आपको तो जैसलमेर तो ये अपना गलत हो गया दोस्तों दो में राजस्थान की दस की जनसंख्या वृद्धि कितनी है ये इक्कीस पॉइंट तीन है दोस्तों ये भी अपना सही हो गया दोस्तों ठीक है तो क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिया अब देखो दोस्तों आप करते रहोगे ना बिल्कुल इजी लगेंगे क्योंकि ऊपर बेसिक आंकड़े बात कर लिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने जनगणना दो के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है तो सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों ग्रामीण किसका है बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों किसका है झुंझुनू का है सर्वाधिक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों में से जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है तो अधिकतम जनसंख्या किसमें पाया जाएगा दोस्तों तो इसमें अधिकतम किसमें पाया जाएगा इसमें पाया जाएगा दोस्तों अपना नागौर के अंदर पाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों दो की जनगणना के अनुसार निम्नाकित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है यानी सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किसकी है तो किसकी है दोस्तों इनके अंदर बात करें तो ये दोस्तों अपनी भरतपुर की है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों भारत की दो जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो दोस्तों कितना है इसका बिल्कुल सही दोस्तों ग्रामीण तो है एक और शहरी कितना है, है दोस्तों क्योंकि ये ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल बेसिक चीज है ये अपने को आनी चाहिए बाकी तो आंकड़ा याद है इन जिलों में ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ये पता होने चाहिए ग्रामीण जनसंख्या तो पिछहत्तर पॉइंट एक प्रतिशत है दोस्तों और शहरी अपनी चौबीस पॉइंट नौ प्रतिशत है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी रही है कार्य सहभागिता की दर का दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया अपने से बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है तो कार्य सहभागिता दर कितनी है दोस्तों भारत और राजस्थान की बिल्कुल सही दोस्तों ये होगा अपना भारत के अंदर तो है दोस्तों थर्टीन है और राजस्थान की कार्य सहभागिता जो दर uh, है वो ज्यादा है दोस्तों वो तिर है दोस्तों ठीक है तो ये अपना इसका ऑप्शन पहला हो जाता है, है, है।, है तो राजस्थान की बात है, ये की है तो भारत के अंदर राजस्थान का कार्यबल कितनी है तो तिरालीस पॉइंट छह है भारत की कम है दोस्तों थर्टी नाइन पॉइंट एट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों 2001 और 2011 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले तो अपने आपको याद होगा दोस्तों क्वेश्चन क्या था सर्वादी किमें है अब क्या था बाड़मेर में है, सबसे कम किस में है गंगर गंगर में ये ऊपर क्वेश्चन क्या था दोस्तों ये वही है तो इसका चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले दो में सौ से कम जनसंख्या घनता वाले हैं सौ से कम जनसंख्या घनता वाले कौन से है दोस्तों आपने पता जैसलमेर है तो जैसलमेर तो आएगा ही आएगा ये दोनों ना हो जैसलमेर तो 100 परसेंट आएगा आएगा उसके बाद बीकानेर है बीकानेर का भी अपने पता है उसके बाद में बाड़मेर ठीक है तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जिस जिसलमेर में कितने हैं दोस्तों जिस जिसलमेर सबसे कम है सत्रह रहता है जनसंख्या बीकानेर की बात करें बीकानेर में अठहत्तर है दोस्तों बाड़मेर की बात करें तो नाइनटी टू है दोस्तों ठीक है इस प्रकार से पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अब अपने निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने दो में अधिकतम जनसंख्या प्रतिष्ठान अंकित किया तो ये दोस्तों किसने अंकित किया अपना बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों आप ये अपना अंकित किया आपका बाडमेर जिसलमेर जोधपुर ने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जनगणना दो के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है तो जैन धर्म का सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों किस जिले के अंदर है बिल्कुल सही दोस्तों उदयपुर के अंदर उदयपुर में सर्वाधिक जैन धर्म के प्रतिशत है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है पर इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे बात करते हैं दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता है सर्वाधिक किसमें है और न्यूनतम किसमें है बताइए दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों सर्वाधिक कोटा के अंदर है न्यूनतम जालोर के अंदर है दोस्तों ऊपर बात की थी वही क्वेश्चन है अलग रूप में आया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों भारत की जनगणना दो के अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या राजस्थान की कितनी है राजस्थान की कितनी है दोस्तों ऊपर बात की थी अपनी पिछहत्तर पॉइंट एक तो ये तो अपनी ग्रामीण है और ये अपनी अर्बन है रूरल और अर्बन पिछहत्तर पॉइंट एक और चौबीस पॉइंट नौ ये इंपोर्टेंट डाटा है दोस्तों कुछ चीजें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जनगणना दो के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला

प्रतिशत वाले तीन जिलों का अवरोही क्रम बड़ा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे पूछा है दोस्तों तो जब इसमें ऑप्शन में देखेंगे अवरोही में सबसे बड़ा कौन सा इसमें तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन में आ जाएगा अपना तीन नंबर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अपना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में, में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी सबसे कम किस में थी दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में थी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों राजस्थान में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या था तो सही क्रम क्या था दोस्तों बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने सही क्रम था अपना बाड़मेर जैसलमेर और अलवर ये दोस्तों अपना ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों राजस्थान में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति मतलब

एस समुदाय सबसे ज्यादा कहाँ रहता है दोस्तों वो रहता है अपना उदयपुर जिले में और एस की बात करें तो वो कहाँ पे रहता है दोस्तों वो रहता है गंगानगर के अंदर देख नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी न्यूनतम किसकी थी दोस्तों बिल्कुल अभी अपने बात की थी न्यूनतम किसकी थी गंगानगर की तो ये सर्वाधिक किसकी है बाड़मेर की नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी तो शहरी साक्षरता दर किसकी थी दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों उदयपुर की थी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2011 में जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है यानी अधिकतम किसमें और न्यूनतम किसमें है अधिकतम इस तरफ की बात हो रही है तो अधिकतम न्यूनतम किसमें दोस्तों बांसवाडा और अधिकतम तो इसमें है इसके अकॉर्डिंग और न्यूनतम किसमें है बीकानेर और नागौर के अंदर है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 2001 दो की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात एक हज़ार पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है तो कितनी महिलाएं थे दोस्तों बढ़ गई है अगर एरिया में बात करें नगरीय क्षेत्र के अंदर बिल्कुल सही दोस्तों चौबीस महिलाएं हैं जो इनका बढ़ गए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है कि एक पुरुषों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है लिंगानुपात बराबर हो रहा है बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की ट्राइबल्स एरिए हैं ट्राइबल्स की कितनी जनसंख्या है दोस्तों तो वो दोस्तों अपनी एक करोड़ के आसपास है कितनी बानवे पॉइंट अड़तीस लाख है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों भारत की दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था एक जागपुरश् पे तो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों कितना था बिल्कुल सही दोस्तों 914 था वैसे कितना है दोस्तों नौ है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी सबसे अधिक वृद्धि दर थी किस में थी दोस्तों अपनी बाड़मेर के अंदर थी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है तो न्यूनतम गणत की बात करें तो किस में है दोस्तों बिल्कुल सही कहा दोस्तों वो अपना के है दोस्तों Next question करते हैं दोस्तों 2001 और, और दर हुई है, कौन से है? तो ये दोस्तों कौन से है अपने बिल्कुल सही दोस्तों सर्वाधिक जयपुर न्यूनतम जैसलमेर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दो से दो की अवधि के दौरान गगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है दोस्तों दस रही है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है तो राजस्थान का दोस्तों भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों बिल्कुल सही का छठा स्थान है दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का जिला जिसकी दो से दो के मध्य दस की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक रहा तो किसका सर्वाधिक प्रतिशत रहा है दोस्तों वो रहा है अपना बाड़मेर का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2011 के अनुसार निम्नलिखित तो सुमिलित कीजिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है दो हार्ड पेपर आया था कितना पूछा है इन्होंने कितनी किसकी है तो दोस्तों राजसमंद का कितना है बिल्कुल सही दोस्तों राजसमंद का है 990 है दोस्तों तो उसके बाद बात करते हैं डूंगरपुर की डूंगरपुर में कितना है नौ सौ चौरानवे है दोस्तों पाली की बात करते हैं पाली में नौ सौ सत्यासी है दोस्तों पीछे बेटा प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ प्रताप कितना है दोस्तों ये है अपना नौ सौ तिरासी है दोस्तों इतना टिपिकल पूछते नहीं है दोस्तों काफी हार्ड पेपर माना गया था क्योंकि चीजें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ किसको याद होंगे दोस्तों किसी को याद नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जनगणना दो के अनुसार राजस्थान में जीरो से छ आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है तो किस जिले में था दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों वो अपना था झुंझुनू में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों यानी एस की जनसंख्या थी कितनी थी दोस्तों इसमें पूछने हैं। तो अपने ऊपर बात थी? की थी एस की जनसंख्या थी दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों आप लोग एस की दोस्तों ये होगी इसके अकॉर्डिंग क्योंकि जो एस की एस टी कि है दोस्तों अपनी तेरह पॉइंट पांच है दोस्तों राजस्थान में कित दो तेरह पॉइंट पांच है दोस्तों और अगर बात करते हैं भारत के संदर्भ में भारत में कितनी है दोस्तों जनसंख्या इसकी तो भारत में दोस्तों इसकी जनसंख्या है आठ पॉइंट छः भारत के संदर्भ में तो आठ पॉइंट छः प्रतिशत दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में तेरह पॉइंट पाँच प्रतिशत दोस्तों और अगर बात करते हैं अपने दोस्तों एस टी की बात कर ली तो एस सी की बात कर लेते हैं एस सी की बात करते हैं तो एस सी कितनी है दोस्तों राजस्थान की तो है सत्रह पॉइंट आठ प्रतिशत दोस्तों और अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो कितनी है सोलह पॉइंट छः प्रतिशत तो दोस्तों ये अपना थोड़ा सा डाटा है कि थोड़ा सा कर लेंगे तो इजी रहेगा बाकी अगर तो ज्यादा पूछेंगे तो दोस्तों वो किसी को नहीं आता आप बेफिक्र रहिए जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता और जिसको आता है फिर वो तो बस वाली बात है दोस्तों वो तो बस से कोई पूछ के बता पाएगा कि एग्जैक्टली exactly कितना है इतना डाटा किसी को और नहीं रहता है बेसिक डाटा है वो अपने को आना चाहिए जैसे अगर एस का जो डाटा है कितना है तो राजस्थान में तेरह है भारत में आठ है दोस्तों एस की बात करें तो सत्रह है और भारत में दोस्तों सोलह पॉइंट छह है और फिर भी कोई जैसे पूछ लेगा कौन से जिले में किसका कितना है और वो सही करके आएगा तो सोच लेना दोस्तों उसका बस वाले के साथ कॉन्टेक्ट नंबर होगा नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है तो कौन सा समुदाय है दोस्तों बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने सिख समुदाय है दोस्तों और सिख समुदाय बात करते हैं पंजाबी अकादमी कहाँ खुली हुई है दोस्तों वो श्रीगंगानगर में खुली हुई है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल, तो नहीं आएंगे दोस्तों बेफिक्र दो हजार की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी थी तो बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों कुल साक्षरता कितनी थी छियासठ थी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित थी तो दोस्तों कौन सा अकाल था जब जिससे सर्वाधिक प्रभावित हुई थी दोस्तों वो हुई थी इसके अंदर ऑप्शन दिए उसमें दो हजार नौ दस वाले अकाल थे उससे सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है दोस्तों बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने वो अपना कितना है वो है और आप पिछहत्तर पॉइंट दस प्रतिशत दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है सही विकल्प पूछा है तो इसमें कौन सब से सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला उदयपुर है नहीं है जी कौन सा है दोस्तों जयपुर है उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जयपुर है गलत है सबसे कम जनसंख्या जयपुर थोड़ी है सबसे कम वाला तो कौन सा है अपना जैसलमेर है दोस्तों उसके बाद है सबसे कम साक्षरता तो वाला जालोर ये बिल्कुल सही है दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता जयपुर नहीं जी सर्वाधिक साक्षरता वाला दोस्तों कोटा है तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो दोस्त नहीं है वो पिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत थैंक यू